जैसे दोस्तों मैंने पिछले शॉर्ट में बताया जो हमने 1111 पौधे योगा डे पर लगाए थे, तो उनमें एक बात आपको बताता हूँ, जैसे गुड़ाई का और केयर का कितना फ़र्क है। जहाँ पर मैंने ये गुड़ाई कर दी है और वहाँ पर आप देखो पौधों के अंदर नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। चाहे कोई भी पेड़ है वो सभी अपने नए पत्तियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं। तो ये हमने जंगल टाइप लगाया है, इसमें कुछ फ्रूट के पौधे भी लगाए हैं। तो ये अमरूद का जैसे पौधा है, तो अलग अलग पौधे ऐसे जामुन का, ये 11-12 वैरायटी है नींबू का, इमली तक के पौधे हैं, आंवले के पौधे हैं। तो कुछ इनमें जैसे अब ये देखो आम के पौधे हैं, आम थोड़ा स्लो चलता है तो इसकी बढ़वार कम है, पर फिर भी ये नए पत्ते निकाल रहा है। तो केयर की बात है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हमने अभी गुड़ाई नहीं करी वहाँ पर उनका क्या हाल है। तो जैसे ये देखो दोस्तों, पत्ते खाने वाली जो है इनकी सुंडियाँ जो होती हैं, ऐसे इनकी केयर ना करें तो देखो ये पत्तों से ही सांस लेगा। तो अब इसके ऊपर ये देखो, चाहे डस्ट का पाउडर का छिड़काव करें, चाहे नीम जल करें, तो ऑर्गेनिक रखना है तो इनके अंदर जो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। तो ये देखो अब इनके अंदर कैसे ये डिजाइन बना दिया, ये देखो सारी पत्ती खा गई। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब आप ये देख सकते हो कितना इस पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ये इसको शुरू किया हुआ है। तो ये कुछ जानवर जो है रात के टाइम ही आते हैं, शाम के टाइम ठंडे टाइम ये इनको खाने के लिए। तो ये आप देखो कितना नुकसान है। तो ये केयर की बात है। तो ये देखो आम के पौधे, ये नए पत्ते हैं, तो एक इनमें आती है दीमक। जैसे ये जामुन के पौधे को दीमक लगी है, इसको जब उखाड़ेंगे, वैसे तो मैं अब उखाड़ूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसमें दवाई डाल दिया, तो दवाई इसके अंदर आप क्लोरोपेरीफास या मिडाक्लोपराइड का इस्तेमाल कर सकते हो, वो कमेंट में पूछ लेना डोज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। तो ये देखो ये फुटाव होना शुरू हो गया, ये यहाँ से ये जो आपको शायद दिखाई दे रहा है या नहीं, ये चीज़ ये पत्ते जो है ना, ये नए पत्ते अभी खुलेगा, ये देखो ये जो चीज़ है, ये नए पत्ते, ये देखो ये फुटाव इसका हो जाएगा। तो अगर ये टाइम से केयर ना करते तो ये पौधा उखाड़ना पड़ता। ये आंवले के भी सभी पत्ते निकले। तो एक कहते हैं ना, किसी को भी नज़दीक से जाके जज करो, वो शॉर्ट के अंदर मैंने बताया भी जहाँ पर गुड़ाई कर दी है वहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे। पौधे और जहाँ पे गुड़ाई नहीं करी वहाँ नज़र नहीं आएंगे। तो अगर उधर भी गुड़ाई हो जाएगी तो वैसे ही पौधे उनके अंदर भी हैं, ये घास में नज़र नहीं आते। और एक यहाँ पर बात कहते हैं ना, आदमी के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढें। अब आप अगर आंखें बंद करके अगर पौधों को ही देखना चाहोगे तो आपको नज़र आएंगे, जिसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, अब कोई पौधा नज़र नहीं आ रहा। अगर आप अच्छे से इसके अंदर देखो, अभी निगाह अगर लगाओगे तो ये आम इतने बड़े घास के अंदर भी ये देखो अपना खिलखिला के हंस रहा है। और जब ये ढूंढोगे, वैसे ही जब गुड़ाई हो जाएगी तो इधर भी ऐसे ही नज़र आएंगे। ये देखो आम कितना सुंदर, इसने अपना नए पत्ते निकाले हैं, ये कम से कम 4-5 इंच की बढ़वार ले चुका है लगने के बाद दोनों टहनियों के ऊपर। और ऐसे ही ये बेल पत्तर देखो, अब बेल पत्तर ये लगाए हैं हमने, 40 बूटे बेल पत्तर के भी हैं, और ये इसने भी ये अपने नए पत्ते निकाल लिए। हालांकि ये जब ये घास के अंदर ये इनका सफाई हो जाएगी तो हर एक पौधे ने अपनी ग्रोथ की है। इनके अंदर देखो मैंने ये क्लोरोपेरीफास का 1.5% का सब पौधों के अंदर डाल दिया दीमक के लिए। तो ये देखो ये जंगल अपना कामयाब हो जाएगा। और ये आपको पहले दूर से दिखाई नहीं देता ना, तो नज़दीक से जाने से और नज़दीक भी आने के बाद आप अगर पौधों को देखना चाहोगे, घास की तरफ ना ध्यान दें, अच्छाइयाँ देखें किसी बंदे की तो अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, बुराइयाँ देखें तो बुराइयाँ नज़र आएंगी। अब आप घास देखोगे तो आपको घास ही नज़र आएगा, और उसके अंदर आप अगर पौधे ढूंढोगे तो ये देखो इतने बड़े बड़े पौधे भी आपको नहीं दिखाई देंगे। और वो अगर उस तरह घास अगर इनका निकल जाएगा
तो ये सब यहाँ से कोई गाय भैंस खा गई है। इस पौधे को थोड़ा इसकी बाड़ का भी काम करना है अभी। ये देखो ये ऊपर वाले पत्ते जो खा गया फिर भी इसने अपना फुटाव शुरू कर दिया, तो ये जंगल धीरे धीरे कामयाब हो जाएगा। अब घास में ये ढूंढते ढूंढते अगर आप देखोगे तो ये बेल पत्थर, ये बरसात चलने के कारण 10 दिन में ये इनको घास को टाइम मिल गया बढ़ने का। और आपको बताता हूँ घास अगर आप नहीं निकालोगे तो, जैसे ये पौधा है इसने अपने बीज को तैयार कर लिया, ये देखो अगर इसको नहीं निकालोगे तो ये बीज अपना देखो इस कटोरी के अंदर बीज है, ये देखो ये दो दो तीन तीन दाने हर एक गांठ के अंदर इसके, ये इटसिट बोलते हैं सांटा बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा जल्दी ये अपने आगे घास पैदा कर देता है। तो अब ये अगर ध्यान से देखोगे और इसकी कटाई भी ध्यान से करनी पड़ती है, ये बेल पत्थर शिव जी को जो चढ़ता है इनके पत्ते और इनका फल, ये 40 पौधे बेल पत्थर के हैं। ये देखो ये मिक्स जंगल है, इसके अंदर देखो यहाँ पर बेल पत्थर है, आम है, जामुन है जैसे पीछे बताया। तो ये घास के अंदर अब सारा सही कामयाब हो जाएगा। ये देखो गाय इनके यहाँ से गाय घुसती है और नुकसान पहुँचाती है। ये देखो ये भी खा गए हैं, चलो फुटाव हो जाएगा। और ये थोड़ा सा तार का काम करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा राहत मिलेगी। तो ये है दोस्तों, अब ये देखो आपको दिखाई नहीं देता, और एक साल बाद इसका बर्थडे मनाएंगे अगले साल, और ये पौधे कामयाब करेंगे। इतने ही पौधे और लगाने हैं, पहले इनकी करते हैं हम केयर, और आपको जल्दी ही 1111 पौधे और देखने को मिलेंगे, वो हम लगाने वाले हैं दूसरी साइड। थोड़ा इसकी एक बारी सफाई कर लें, घास इसका काट लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।